में पूछा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हमें बताना है। तो सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज द जीनोम। यूक्लिड। फिर उसी जीनोम से हम लोग कितने क्रोमोसोम्स बनाते हैं, कितने क्रोमोसोम्स बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर आपका एक स्पेशल लोकेशन पे जीन लोकस पे जीन प्रेजेंट होता है। अंदर उसी जीन के अंदर क्या होता है, सबसे छोटे यूनिट उसके न्यूक्लियोटाइड होगी। न्यूक्लियोटाइड इज द डीएनए। यस मैम। ठीक है, तो सबको क्लियर है? यस मैम। सेटेलाइट डीएनए, सेटेलाइट डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने यार बात किया था ना, सेटेलाइट डीएनए जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज में पाया जाता है। और वही डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज में हमने बात किया था ना, वीएनटीआर जो होते हैं आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होता है। तो अगर हमें चेक करना है कि यही हमारे पेरेंट्स हैं या नहीं है बायोलॉजिकली, तो हम उसमें वीएनटीआर का अकाउंट चेक कर लेते थे, उससे हमें पता चल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजिंग फिंगर एनालिसिस। हम यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड पूछा है ना, तो जिंक फिंगर एनालिसिस डी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे अच्छी टेक्निक, वॉट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस कौन बनाता है, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू डीएनए सैंपल का मॉलिक्यूलर एनालिसिस या फिर डीएनए सैंपल का एनालिसिस, इम्प्रिंटिंग डिवाइसेस या फिर टेक्निक यूज फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस, टेक्निक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। डीएनए सैंपल का मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी हम इसको बोलते हैं। अलग अलग स्पेसिमेंस की बात नहीं करते, जो डीएनए सैंपल हमने एक्सट्रैक्ट किया है किसी भी इंडिविजुअल से उसको स्टडी करते हैं, डीएनए के अलग अलग स्पेसिमेंस नहीं चेक करते। ओके मैम। ठीक है, सबको क्लियर? यस मैम। Which of the following is wrongly matched? Transcription में बोल रहा है writing information from DNA से tRNA, tRNA थोड़ी ना क्या बनता है, mRNA बनता है, तो wrongly matched तो मेरा यही होगा। Translation में क्या करता है, mRNA से protein बनाता है, ये भी सही है। Repressor protein क्या करता है, operator site से bind कर जाता है और हमारा enzyme नहीं बन पाता, कौन सा enzyme, ZYA, beta galactoside is permease, A4 कौन सा प्रोड्यूस होगा जब वाई जीन म्यूटेट हो जाएगा। 142 इन एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, जीन्स आर इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में क्या होता है, जीन्स को कभी एक्सप्रेस होता है, ऑलवेज एक्सप्रेस, नेवर एक्सप्रेस, आपका यूजुअली एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑफ या फिर टर्न देम ऑफ। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में जो जीन्स होता है वो हमेशा टर्न ऑन रहते हैं, LRON, L फॉर लैक ऑपेरॉन, I फॉर इंड्यूसिबल, ON ऑन रहेगा। ठीक है, yes, ma'am. सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट दिए हुए उसमें से दो स्टेटमेंट हमें पिक करना है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मे बाइंड टू द रिप्रेसर, क्या वहां पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बाइंड कर सकते हैं, नो मैम, नो, सिर्फ क्या बाइंड करेगा, लैक्टोज या फिर इंड्यूसर एलोलैक्टोज। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स और हमें क्या बताना है, ट्रू बताना है। तो फर्स्ट हमारा किस किस में है, इन दोनों को हमने कट कर दिया यहाँ से। इन द एबसेंस ऑफ लैक्टोज, जब हमारे पास लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर ऑपरेटर साइड से बाइंड करेगा, ऑब्वियसली सेकंड तो है ही सही है हमारा। जो जेड जीन है वो किसको कोड करता है, परमीएज या ट्रांसएसिटाइलेज, परमीएज, नहीं ना कंफ्यूज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अच्छा दिस इज फॉल्स। और ये टेक्निक किसने दिया था,
फ्रांसिस जेकोब एंड स्किनर फोर्थ सही है द करेक्ट इज सी मैम थर्ड को तो देखेगी ना फोर्थ मतलब थर्ड को नहीं देखेंगे फोर्थ सही मिल गया तो यस द लेक ओपेरॉन के अंदर क्या होता है कितने स्ट्रक्चरल जीन होता है तीन स्ट्रक्चरल जीन होता है जेड वाई ए तो तीन स्ट्रक्चरल जीन इनमें दिया हुआ है एक रेगुलेटरी जीन या फिर तीन रेगुलेटरी जीन कितने होते हैं एक रेगुलेटरी जीन होता है ना पीपो दिस इज वन रेगुलेटरी जीन और ये स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए यस मैम ठीक है करेक्ट इज बी 145 ecoli cell with mutated Z gene. Z को mutation करा दिया, ठीक है? Of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as a source of energy because क्योंकि Z gene जो है वो एक ऐसा enzyme code करता था beta galactoside जो lactose को glucose plus galactose में convert करता था. अब इनका Z gene ही mutate हो गया है तो भाई जिस मीडियम में हम उसको रख रहे हैं उस मीडियम में लैक्टोज ही दे रहे हैं सिर्फ उसको तो ग्रो कैसे कर पाएगा नहीं कर पाएगा लैक्टोज के मीडियम में ग्रो बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना यस मैम क्लियर है ना सबको बी क्यों हुआ यस मैम यस मैम लैक का मतलब क्या होता है लैक रिफर्स लैक्टोज लैक्टोज जेकोब एंड मोनाज स्टडीड लैक्टोज मेटाबॉलिज्म उन्होंने इकोलाई के अंदर पढ़ा और एक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया ये ओपेरॉन सारे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स किस किस के अंदर एप्लीकेबल था सारे प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स और ओलियोट्स सारे प्रोकैरियोट्स और सारे यूकैरियोट्स के अंदर ये एप्लीकेबल इन इकोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रिप्रेसर किससे बाइंड करता है नेगेटिव ओपेरॉन में क्या होगा लैक्टोज जो है वो बाइंड कर जाएगा लैक्टोज बाइंड कर जाता है ना नेगेटिव ओपेरॉन में तो को रिप्रेसर बाइंड विद रिप्रेसर साइट इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो रेगुलेटर जीन है वो कैसे फंक्शन दिखाता है रेगुलेटर जीन रेगुलेटर रिप्रेसर की तरह वर्क करता है ना रेगुलेटर रिप्रेसर की तरह फंक्शन दिखाता है 151 वाइल्ड टाइप ई कोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन अ नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज ग्लूकोज है बाहर कोई टेंशन नहीं अभी दे आर ट्रांसफर टू अ मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज ग्लूकोज वाले मीडियम से उठा के कहां पे डाल दिया उसको लैक्टोज वाले मीडियम में क्या चेंजेस आएंगे उसके अंदर लैकोपेरॉन स्टार्ट हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा इकोलाई डिवाइड नहीं करेगा लैकोपेरॉन रिप्रेस हो जाएगा या फिर ओलोपेरॉन सारे इंड्यूस्ड लैकोपेरॉन इंड्यूस हो जाएगा ना यस मैम क्योंकि लैक्टोज है मीडियम में लैक्टोज एंटर हो जाएगा बॉडी के अंदर और ऑपरेटर साइड पे बाइंडिंग को रोक देगा और हमारा वहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो लैकोपेरॉन इंडक्शन होगा वहां पे लैकोपेरॉन किसका एग्जाम्पल है Inducible operon an environmental agent which trigger transcription from an operon transcription ko trigger karne ka kaam kaun karta hai inducer lacoperon in e coli is induced by lacoperon kiske through induce kiya jata hai lactose ke through clear yes lacoperon inducible hai lactose uske andar inducer ki tarah function karta hai gunjan koi doubt मैम अभी जो क्वेश्चन आया था कि लैक ऑपरॉन किस किस के लिए वैलिड है आपने क्या आंसर बताया उसका ऑल प्रोकैरियोट्स एंड ऑल यूकैरियोट्स मैम लैक ऑपरॉन तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए वैलिड होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टडी किया गया था ये वैलिड यूकैरियोट्स में भी होता है ओके मैम Using imprints from a plate with complete medium and carrying bacterial colonies, you can select streptomycin resistant mutant and prove that such mutation do not originate as adaptation. These imprints need to be used.
अब एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद जब क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो क्या करना चाहिए हमें? एक बार और रीड ऑप्शन भी मैम पढ़ के देखो, उसमें दोबारा समझ में आए दो लाइन बाय लाइन पढ़ो, छोटी छोटी लाइंस पढ़ो इसकी। देखो, यूजिंग इम्प्रिंट फ्रॉम अ प्लेट, एक हमने वो प्लेट बनाते हैं ना, कौन सा मेथड होता है जिसमें वो कॉलोनीज बनाते हैं, रेप्लिकास लगाना जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक में भी सुना था। तो यहाँ पे क्या करा, इम्प्रिंट्स लिए हमें फ्रॉम अ प्लेट विद कंप्लीट मीडियम, उस मीडियम के अंदर क्या थी, बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी। यू कैन सेलेक्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट, आप वहां से ऐसा बैक्टीरिया सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट है, एंड प्रूव दैट, ये प्रूव करो कि जो म्यूटेशन हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आया है, डू नॉट ओरिजिनेट एज एडेप्टेशन, वो बैक्टीरिया के अंदर एडेप्टेशन नहीं हुआ है। दीज इम्प्रिंट्स नीड टू बी यूज, तो हमें इन इम्प्रिंट्स को किसके ऊपर ले जाके डालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है या नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्लेट पे ले जाके रख देंगे, क्योंकि मेरे को यही तो चेक करना है ना, बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट है या नहीं है। तो उस बैक्टीरिया को लेके स्ट्रेप्टोमाइसिन के मीडियम में रखा और वहां पे जाके चेक कर लिया कि उसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन का इफेक्ट हुआ कुछ या नहीं हुआ। यस मैम। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ समझना डिफिकल्ट था थोड़ा सा। यस मैम। यस मैम। 127। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल्स अकर, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसोल या फिर ऑन द राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप। क्या न्यूक्लियर एनवेलप से कोई राइबोसोम अटैच होता है? नॉन राइबोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये तो हो नहीं सकता। ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोप्लाज्म, नो। ए और बी में से बताओ कौन सा होना चाहिए। मैम ए होना चाहिए, राइबोसोम। ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसोल, एनिमल्स के अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो क्या सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा? नहीं, न्यूक्लियस में, फिर साइटोप्लाज्म में भी होगा। प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। पहली चीज, जहां जहां राइबोसोम है उस हर जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज है, दोनों के पास खुद का राइबोसोम होता है। 70S या 80S? बैक्टीरिया वाला कैरेक्टर है इनके अंदर। यस मैम। 70S है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। यस मैम। डी होगा। यस मैम होगा। बी वाले ऑप्शन में गलत, देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन ही बोल रहे सिर्फ और सिर्फ साइटोसोल में, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी वाला ऑप्शन ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच है, न्यूक्लियर एनवेलप से कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसलिए बी गलत है। ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कोई राइबोसोम नहीं होते, इसलिए सी गलत है। बचता कौन सा? बी। तो क्वेश्चन आता है हमें गलती 101% करके आते, क्यों क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ के। आया सबको समझ में? ये जो सिली सिली मिस्टेक्स हम बोल देते हैं ना बाद में एग्जाम होने के बाद कि मैम सिली मिस्टेक्स हो गया, तो उन सिली मिस्टेक्स से हमें बचना है। उसके लिए क्या तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में परफेक्शन आता चला जाएगा। मैम आपने डी पहले कट क्यों कर दिया था? कंफ्यूज करने के लिए किया था मैम, करने के लिए कि आप लोग अपने आंसर पे अपने कॉन्सेप्ट पे कितना स्ट्रांगली रहते हो। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट 128। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स आर जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड इन, जीटीपी समझते हो ना, गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट, जैसे एटीपी होता है एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट, ऐसे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ट्रांसलेशन के टाइम पे, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम ट्रांसलेशन कराए। अब आपको एक चीज पता है, प्रोकैरियोट्स के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं होता, उनके अंदर एमआरएनए बनता रहता है, सेम टाइम पे वो किसमें कन्वर्ट होता रहता है,
प्रोटीन में कन्वर्ट होता रहता है सेम टाइम पे, ये होता है। तो एक जीटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, किस लिए चाहिए इनको जीटीपी मॉलिक्यूल? मैम लार्ज यूनिट को अटैच करने के लिए उससे, एमआरएनए से। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो पॉलीजोम के फॉर्म में पाया जाता है, वहां पे तो एमआरएनए के ऊपर ही अटैच रहता है राइबोसोम। सोचो, देखो हमें पता है ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, पढ़ा इसलिए रही है ये क्वेश्चंस भी ताकि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस टाइम पे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, वो कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके, ठीक है। तो जीटीपी हमें पता है जीटीपी एक एनर्जी की तरह वर्क कर रहा होगा, तो एनर्जी किस प्रोसेस में, हमने यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन पढ़ा, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर पहले आता था ट्रांसलेशन, अब नहीं आता। तो वहां पे हमें एटीपी का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता था, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए में। यस मैम, ये तो टीआरएनए के एक्टिवेशन में, तो यहाँ पे भी जीटीपी का मॉलिक्यूल यूज कर रहे तो कहीं ना कहीं एक्टिवेशन में हेल्प कर रहे होंगे। यस मैम, अब ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल मेथ टीआरएनए या फिर बाइंडिंग ऑफ 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद एमआरएनए, ये तो ऑलरेडी एड ही रहता है, इस पे तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो बी तो कट कर दिया मैंने। एसोसिएशन ऑफ 30S एमआरएनए मतलब एमआरएनए की यूनिट जिसके नीचे 30S राइबोसोम अटैच है विद फॉर्माइल मेथ टीआरएनए, इसका मतलब कहीं ना कहीं राइबोसोम से हम टीआरएनए को लेके आ रहे हैं, या फिर 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये तो ऑलरेडी अटैच्ड है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है ना? यस मैम, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है आप लोगों को। नेक्स्ट पढ़ के देखो, डीआरएनए दैट पिक अप स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, पूरे अमाइनो एसिड पूल में से एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आता है साइटोप्लाज्म में टू राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, उसका काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। Which of the following step of translation does not consume high energy phosphate bond? किसको high energy phosphate bond की requirement नहीं होती? Pit bond, वो कौन से वाले bond की बात कर रहे होंगे यहाँ पे? देखो नहीं आता, options eliminate करना है। देखो ट्रांसलेशन का स्टेप बोल रहा है, तो अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कराने के लिए तो हमारे पास टीआरएनए होता था, अमाइनो एसाइड टीआरएनए ऐसे करके हम बना देते थे, ट्रांसलोकेशन हम लोगों को कराना ही नहीं है, तो सीओडी मैंने कट कर दिया, ए और बी में से पिक करके देखो कौन सा कर सकते हो, अमाइनो एसाइड टीआरएनए बाइंडिंग टू ए साइट, जो हमारे पास वो ईपीए साइट होती थी ना ऐसे EPA, तो ये बोल रहा है कि भाई जो मेरे पास tRNA है जिसके पास अमाइनो एसिड है उसको हमें एडेप्टर साइट पे ज्वाइन करने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी? ए स्टेप पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रोसेस याद होगा तो आपने एक चीज देखा होगा, ये मेरे पास ईपीए साइट थी, तो हमारे पास क्या होता था ना, जो पी साइट है इसके ऊपर ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाते थे, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा किस में बनते थे, अमाइनो एसिड्स के बीच में, तभी प्रोटीन चेन बनती थी, एडेप्टर साइट के ऊपर एक टीआरएनए आया अमाइनो एसिड लेके और फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया एंड देन इनके बीच में बॉन्डिंग, तो ये जो बॉन्डिंग बनता था ना यहाँ पे, इस टाइम पे बोल रहा है कि कोई हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती थी ट्रांसलेशन के इस स्टेप में, कि हमें एक प्रोमोटर साइट से एडेप्टर साइट के बीच में जो इंटरचेंज होता था पूरी की पूरी प्रोटीन चेन का, मैम एनर्जी तो लगेगी ना वहां पे, तो इंटरचेंज हो जाती नहीं लगती एनर्जी, साइट्स एग्जिट करती है ना जब ये ईपीए के एक स्टेप आगे बढ़ती चली जाती है, उसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखना चाहो याद रख लेना, वैसे तो आपको पता ही है इतने पुराने क्वेश्चंस आएंगे नहीं, फिर भी पता होना चाहिए मैम।
131 प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है एनिमल्स के अंदर? अगेन ऑप्शंस एलिमिनेट. ओनली इन साइटोप्लाज्म कट कर दिया. ओनली इन राइबोसोम अटैच्ड टू न्यूक्लियन कट कर दिया. इन न्यूक्लियस कट कर दिया. ऑप्शन डी. बट डी कैसे बता रहे भाई? न्यूक्लियस अभी पढ़ा था ऐसे इक्वेशन. यस मैम. ये बोल सकते हैं 132. इन प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड में तीन स्टेप्स होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन में इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? ट्रांसक्रिप्शन है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडोन. जब एक से ज्यादा कोडोन अमाइनो एसिड को तो उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट. ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस. वाला करो. विच ऑफ द फॉलोइंग यही आपका जेड बीटा ग्लिकोसाइडेज वाई ए. तो जेड का क्या है? फर्स्ट होना चाहिए. बी का फर्स्ट इन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है. अब बाकी मैच कर लो. ए का तो थर्ड ही होगा. आई जीन आपका रिप्रेसर. जेड वाई डी होगा. डी ना. आगे करो. मैम डी है इसका. एलेक्स जेफ्रे ने क्या दिया था? उसने वो क्रोमोसोम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. हाँ ये नहीं थियोरेटिकल प्रूफ दिया था. एक्सपेरिमेंट दिया था सी मैम इसका 37 का. इंड्यूसर की तरह कौन यूज करेंगे? लैक्टोज. ए लैक्टोज. ए जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरोन ऑफ इकोलाई दैट इज नॉट लैक्टो आई जीन प्रोडक्ट इज. मैम इसमें यही बताना ना मतलब आईजीन प्रोडक्ट क्या बनेगा? जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरोन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व द लैक आईजीन प्रोडक्ट इज. इसका जीन रेगुलेशन बताना है कैसे होगा. नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इंड्यूसिबल होगा? नेगेटिव होगा है ना. इंड्यूसर की तरह लैक्टोज आया होगा. पॉजिटिव तो इंड्यूसिबल होगा. बिकॉज जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो क्या कर रहा होगा? प्रिवेंट कर रहा होगा. ऑप्शन डी होगा. नेगेटिव होगा, इंड्यूसिबल होगा बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन. डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू बी. Degeneration of a genetic code is attributed to the 61 code. 104 का बताओ भाई. 104 का क्या होगा? डी होगा.
उसका तो डी होगा मैम, बता दी डी होगा, थर्ड मेंबर ऑफ अ कोडन। In the genetic code dictionary, how many codon are used to code for 20, sixty-one, 64. Out of the 64, 61 codons for 20 types of amino acid. It is called degeneration of genetic code. Because एक amino acid को एक से ज्यादा codons code करते हैं, लेकिन एक codon एक ही amino acid को code करता है। चेंज इन सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड भी सिक्वेंस में चेंज आया है, म्यूटेशन बी इनिशिएशन कोडॉन ए, इनिशिएशन कोडॉन इन यूकेरियोट्स ए यू ए यू जी। व्हाट बेस इज रिस्पांसिबल फॉर हॉटस्पॉट फॉर स्पॉन्टेनियस पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के लिए कौन हॉटस्पॉट पाया जाता है? सबसे जल्दी म्यूटेशन किसके अंदर पाया जाता है? सबसे ज्यादा द कोडॉन कॉजिंग चेन टर्मिनेशन, मतलब स्टॉप कोडॉन पूछ रहे हैं, यू ए ए यूरिए एंड यू ए यू ए ए टर्मिनल कोडॉन, सो वैसे टर्मिनल मतलब स्टॉप कोडॉन की बात कर रहा है, यू ए जी। इफ द डीएनए कोडॉन्स आर दिस, ये बता रहे हैं, एंड साइटोसिन बेस इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग पे साइटोसिन ऐड करते हैं, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा सीएटी कैट, जीएटी कैट, जीएटी एंड जीएटी जी, ए हो जाएगा, है ना? एंटीकोडोन इज अ अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस इन एन एक्सपोज्ड पोजीशन ऑफ, एंटीकोडोन एक अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस इन एन एक्सपोज्ड पोजीशन ऑफ, किसके पास रहता है ये? इनिशिएशन कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस AUG 125। अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ mRNA, mRNA की जो सीक्वेंस होगी उसी के अपोजिट तो एंटीकोडॉन्स आएंगे, उसी के अगेंस्ट आपके अमाइनो एसिड्स रहेंगे। विच एंटीबायोटिक इनहिबिट ट्रांस इंट्रैक्शन बिटवीन tRNA और mRNA, tRNA mRNA के बीच में इंट्रैक्शन को इनहिबिट कौन करता है? न्यूमाइसिन, याद रखना न्यूमाइसिन। द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल एंड, राइबोसोम के दो यूनिट ज्वाइन किसकी हेल्प से होती है? मैग्नीशियम। पॉलीसोम कैसे बनता है? mRNA के सीक्वेंस ऊपर नीचे, राइबोसोम, मैनी राइबोसोम अटैच्ड हुआ, सेवरल राइबोसोम अटैच्ड हुआ, सिंगल mRNA, ठीक है? यस मैम। कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, दिस इज नोन एज पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम भी इसको बोल देते हैं। यस मैम। मैनी राइबोसोम्स मे एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड, सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम्स आर नोन एज पॉलीसोम। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की फर्स्ट सबसे पहली फेज जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। इन द जेनेटिक डिक्शनरी देर आर 64 कोडॉन्स, 64 के 64 कोड नहीं करेंगे, 64 टाइप ऑफ आरटीआरएनए भी नहीं होंगे, 44 नॉनसेंस ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, एचजी खुराना, एचजी खुराना ने ट्रिपलेट डिसाइड किया था, किस क्या क्या बनाया था उसमें, फिनाइल एलानिन एंड ना ट्रिपल यू की चेन्स, यस मैम, फिनाइल एलानिन ऐसे करके चेन बना था। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। If the sequence of bases in DNA, DNA के sequence ये है, then the sequence of bases in its transcription, जब इसका transcription हो जाएगा, तो transcription हमें इसका कराना है, A के opposite क्या आता है? T, T की जगह पे U आ जाएगा, T के opposite A, C,
ऑप्शन डी स्प्लिट जीन के अंदर जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं छोटे छोटे जीन सिस्ट्रॉन्स ये एक्सॉन्स बोलते हैं उस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर कोडिंग वाला पार्ट एक्सॉन नॉन कोडिंग वाला इंट्रॉन अच्छा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन ऑफ आरएनए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर एंड ये तो ऑब्वियसली आधी हमको डीएनए की लेंथ 2.2 Under which of the following condition there will be no change in reading from a following mRNA? Very important question. Yeah, ये तो आप लोगों को याद है इसलिए आपने बता दिया. Yes. है ना? सॉल्व तो करके देखो. तो ये क्या बोलते हैं कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो A A C और सीक्वेंस बनता है A G C G G U G C U A U. तो पहले ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि डिलीशन ऑफ 789 से हम लोग क्या डिलीट कर दे यहाँ से जीजीयू किधर है जीजीयू ये वाला ना यस मैम इसको अगर मैंने हटा दिया यहाँ से तो एसी एज इट इज रहेगा एजीसी एज इट इज रहेगा ये एज इट इज रहेगा ये एज इट इज रहेगा हाँ ठीक रहेगा अगर मैंने यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन में 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजिशन पे एक जी लगा दिया तो ए जी जी सिक्वेंस तो चेंज हो जाएगी जी को डिलीट कर दिया तब भी सिक्वेंस चेंज हो जाएगी इंसर्शन ऑफ ए एंड जेड फोर्थ ऑफ फिफ्थ पोजिशन 2 3 फोर्थ पे लगा दिया तो ए सी ए जी हाँ द करेक्ट इज ए क्लियर एवरीवन यस मैम 92 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज नॉट सॉरी डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए यूनिवर्सल है तो किसी की भी बॉडी में से निकाल लो वो जीन और फिर वो आपका इंसुलिन को कोड कर देगा yes, ma'am. हमारे पास टोटल 999 बेस है ठीक है और वो 999 मिलके 666 माइनसिन को कोड कर रहे हैं अगर हमारे पास 901 पोजीशन वाला जो डीएनए है वो क्या हो गया डिलीट कर दिया तो ये 998 बन गए तो 901 से पहले वाले 900 वाले तो एज इट इज रहेंगे कितने को कोड करेंगे तो ये 333 करेंगे ना yes, ये 33 तो एल्टर्ड तो बाद वाले होंगे ना 901 के बाद 901 के बाद 99 बचे ना तो 99 का क्या होगा 33 एल्टर्ड अनएल्टर्ड नहीं दे आर आस्किंग एल्टर्ड अगर अनएल्टर्ड पूछेंगे तब 333 लगा के आता यस मैम नो मैम अनएल्टर्ड 300 निकलेंगे इसलिए निकलेंगे 300 इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यस मैम ठीक है अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन एयूजी एयूजी तो इसका मतलब अब एक चीज आप लोगों को समझ में आया ये एयूजी पॉलीजोम इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा हर साल आता है तो इस बार भी आप लोगों को ये वाली चीजें तो अपनी याद करके ही चलनी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड एम्बिगियस एम्बिगियस की जगह क्या होता है अनएम्बिगियस होता है अनएम्बिगियस 103
स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। Which of the following triplet codon is correctly matched? UAC. देखो ट्रिपल यू क्या होता है, फिनाइलएलनिन है ना, और वो स्टॉप कोडॉन होता है? नो मैम, कट कर दो इसको। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? AUG। तो ये भी कट हो गया। बचते हैं क्या? ल्यूसिन और टायरोसिन। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं भी याद होंगे क्वेश्चन को, तो कोई एक भी आप आराम से तुक्का लगा के कर सकते हो क्वेश्चन। तो कौन सा लगाओगे इसमें? यूएसी। और यही करेक्ट आंसर है। यस मैम। व्हाट वुड हैपन इफ इन अ जीन इनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड 50 अमीनो एसिड है, 50 अमाइनो एसिड है, 25th कोडॉन है UAU और से UAA बन गया स्टॉप कोडॉन, मतलब वहीं पर रुक जाएगा प्रोसेस 25th, तो सिर्फ और सिर्फ 24 ही अमाइनो एसिड बनेंगे ना? यस, क्योंकि 25 वाला म्यूटेट हो गया, तो पॉलीपेप्टाइड और 24 अमाइनो एसिड विल फॉर्म। ठीक है? यस मैम। In mutational event, when adenine is replaced by guanine, it is a case of a single base shift to F. Frame shift है? नहीं है ना frame shift? Adenine क्या है? Adenine is a purine या pyrimidine? Pyrimidine. Purine. Purine. ट्रिक भूल गए पूजा। गुआनिन आल्सो प्यूरीन। प्यूरीन तो एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से रिप्लेस हुआ है। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन है ये। यस मैम। Mutation at a genetic locus, the character of an organism change due to change in भाई organism का phenotype change हो गया है, genotype change होते ही उसके अंदर mutation होते ही, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या change हुआ होगा? Protein synthesis का pattern change हुआ होगा या protein की structure change हुई होगी? Structure। Protein की structure change हुई होगी, pattern same रहता है protein बनाने का। Yes। Which of the following pair of codon is correctly matched with their function? UAUG start codon, UAUUAUCLUCIN। अभी देखा था ना पीछे हमने टायरोसिन UAC टायरोसिन करता है। GUUUAGAUAGGA डी भी हो सकता क्या? ए होगा ना? यस मैम। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड के लिए कौन से ट्रू नहीं है? यूनिवर्सल होता है, नियरली डीजनरेट होता है। अ कोडॉन इन एमआरएनए इज रीडिंग नॉन कॉन्टेजियस फैशन। कॉन्टेजियस फैशन में रीड करता है, नॉन कॉन्टेजियस में नहीं। Whose experiment cracked the DNA discovered unequivocally that a genetic code is triplet? किसने बताया था genetic code triplet? Ehrenberg and Matthew. Triplet. Hershey and Chase ने DNA genetic material ये prove किया था। ठीक है? Triplet वाला Ehrenberg and Matthew ने किया था। और phenylalanine वाला H.G. Khurana ने किया था। कि तीन ट्रिपलेट मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, वो एचजी कुराना। जेनेटिक कोड को हम ट्रिपलेट के फॉर्म में स्टडी करेंगे, निरनबर्ग एंड मैथी। यस मैम। द वन एस्पेक्ट व्हिच इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज इट्स बीइंग डीजनरेट यूनिवर्सल अनएमबीजियस ही नॉट? यस मैम। यस मैम। Removal of intron and joining of exon. Lysing, ma'am. Lysing.
इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या बनेगा? ए का अपोजिट बी, का अपोजिट ए, सी का बी, का ए. राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन आरआरएनए, कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में. पढ़ा था ना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर साइट होती है और डोमिनेटर साइट, बीच में स्ट्रक्चरल जीन नहीं होता. अगर मैंने आरएनए पॉलीमरेज थर्ड निकाल दिया, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका सिंथेसिस करता है? टीआरएनए का करता है ना. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, थर्ड टीआरएनए का करता है. आरएनए पॉलीमरेज टू एचएनआरएनए या फिर एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज वन आरआरएनए. याद रहता है ये नहीं रहता है? इसको देखो, याद करने का सिंपल तरीका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. सबसे पहले मेरे को प्रोटीन सिंथेसिस में क्या चाहिएगा? आरआरएनए चाहिएगा ना. आरआरएनए बनके तैयार, फिर एमआरएनए से आगे बाइंड करेगा, फिर सेकंड चाहिए, फिर टीआरएनए चाहिए कि वो अमाइनो एसिड लेके आए. यस यस ठीक है. या फिर आरएमटी से याद रख लेना, आरएमटी. डन? यस मैम, डन मैम. विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज, बिकॉज मेनली इस चीज पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट सब याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, भूलते क्या है? डेटा. डेटा याद रखना है, और डेटा बहुत छोटा छोटा है इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह भी जो बिहेव करता है? 23S आरआरएनए. 23S इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग और कैपिंग कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. अभी तो कैपिंग टेलिंग करा के बाहर निकल गया. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय, एक जीन एक एंजाइम, किसने दिया था ये थ्योरी? ओके, बेडल एंड टेटम ने दिया था कि एक जीन मिलके एक ही टाइप के एंजाइम को कोड करेगा. यस. टेलोमरेज इज एन एंजाइम, व्हिच इज टेलोमरेज? सिंपल प्रोटीन्स. अगर सिंगल प्रोटीन, देखो अगर सिंपल प्रोटीन होता तो फिर ये बोलते नहीं, बिकॉज हमें पता है सारे एंजाइम प्रोटीन होता है, बोलते नहीं ना फिर ये हमें. यस मैम. Yes, और सिर्फ आरएनए भी कभी नहीं होता, नहीं होगा. रिपीटेटिव डीएनए भी नहीं हो सकता एंजाइम में, बचता क्या? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो होलो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है, एंड डीएनए अज्यूम अ सैटेलाइट स्ट्रक्चर एट दैट पॉइंट. व्हाट इज दैट सीक्वेंस कॉल्ड? उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स. टाटा बॉक्स. ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक दो बार पीवाईक्यू से पढ़ लेना सफिशिएंट है, इनके ज्यादा डिटेल में मत जाना. Yes, which form of RNA has a structural resembling clover leaf? Clover leaf 2D में दिखाई देती है, 3D में? 3D में. मैम 3D में इनवर्टेड L शेप होती है. हाँ, इनवर्टेड L शेप. और 2D में क्लोवर. डेटा याद नहीं है ना मनीषा? Yes, मैम भूल जाती हूँ. उसको थोड़े थोड़े स्टिकी नोट बनाओ, कुछ लिखो अपने पास, शॉर्ट माइंड मैप्स टाइप से बनाओ, तब याद रहेगा. क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स तक ही आ जाएंगे. चाहे सारे चैप्टर कितने भी अच्छे से पढ़ लेना, प्रोसेस अच्छे से, याद नहीं रहेंगे, यही डेटा याद नहीं रहेंगे, और इन्हीं डेटा से क्वेश्चन आएगा. ये सब बच्चों का स्टिकी नोट बनाओ चैप्टर वाइज, मतलब एक अलग से नोटबुक ले लो. ऑब्वियसली आपको पता है कि 38 चैप्टर है बायो में, तो 38 चैप्टर, एक चैप्टर के दो दो पेज के नोट बना लो नोटबुक में अपने.
ठीक है, अराउंड 90 के अराउंड आप अपने 90-95 पेजेस पे नोट्स बना डालो, ऊपर चैप्टर का नाम लिख डालो, जैसे अभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक चैप्टर में दो पेजेस से ज्यादा डेटा मत लिखना, तो ऊपर चैप्टर्स के नाम डाल के छोड़ दो उस नोटबुक में। फिर जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर के पीवाईक्यू कर रहे हो, आप ये चीज एनालाइज करो कि क्वेश्चन करते टाइम आपको कौन सा डेटा याद नहीं रहता है, तो उसमें जाओ अपनी नोटबुक में जो शॉर्ट नोट्स वाली बना रखी है वही चैप्टर को लो और उसमें लिख डालो कि मेरे को याद नहीं रहता आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है, मुझे याद नहीं रहता, वो लिख लिया वहां पे। क्लोवर लीफ वाला 2D में कैसी होती है टीआरएनए, 3D में कैसा होता है वो लिख लिया। मुझे डीएनए का याद नहीं रहता, दो बेसिस के बीच में कितना सिक्वेंस है, कितना डिस्टेंस है, वो मैंने वहां पे डेटा लिख लिया। ऐसे ऐसे डेटा लिख लिया सारा का सारा, बिकॉज प्रोसेस तो मेरे पास मेरे जो नोट्स है पूरे डिटेल्ड वाले उसमें है ही। यस मैम। और प्रोसेस तो एनसीईआरटी पढ़ के भी याद हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ के स्टेटमेंट समझ में आते हैं, डेटा याद सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट या फिर स्टिकी नोट से ही होता है। यस मैम। ये चीज हर कोई फॉलो करेगा, मैक्सिमम गलती बच्चे यही करता है, सब पढ़ा हुआ आता है पेपर में लेकिन याद नहीं रहता हमें कि एग्जैक्ट आंसर क्या आता है, वो इसीलिए नहीं रहता बिकॉज हम लोग डेटा उसको लिखते नहीं शॉर्ट नोट्स को। यस मैम। तो ये होता है आपका याद। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड That is being coded is this, then the mRNA के sequence क्या हो? A का opposite U, U का T, C का G, T होगा ना? T का होगा। मैम C होगा ना मैम, messenger RNA। अच्छा हाँ यहाँ पे T दे रखा है, C होगा, right right। During transcription, the DNA site at which RNA molecules, RNA polymerase bind. Transcription के time पे DNA की किस जगह पे RNA polymerase promoter site पे bind करता है? Which of the following exons जो हम cut करा देते हैं, मतलब intron हटा देते हैं, उन सारे exons को कौन join करता है RNA? RNA ligase. Exon part of the mRNA have code for प्रोटीन। mRNA जो सिंथेसाइज होता है ऑन डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन? 5-3 डायरेक्शन। 5-3 डायरेक्शन। जीन्स और सिस्ट्रोन वर्ड्स आर समटाइम यूज्ड साइनोनिमसली बिकॉज जीन्स और सिस्ट्रोन दोनों एक ही जगह पे टर्म्स यूज कर दिया है, स्ट्रक्चरल जीन को ही सिस्ट्रोन बोलते हैं। एक सिस्ट्रॉन के अंदर एक ही जीन प्रेजेंट होता है हमेशा। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन, कितने आरएनए पॉलीमरेज चाहिए हमको? तीन। तीन एंटीकोडॉन किसके ऊपर होता है? टीआरएनए। टीआरएनए की 3D शेप That are involved in turn on and turn off. Transcription को turn on, turn off करने में कौन help करता है? Operator जी। DNA element which can switch their position. DNA का वो element जो अपनी positions को बार बार shift कर सकता है। Transposon. The maximum formation of mRNA, mRNA का सबसे ज्यादा formation कहाँ पे होता है? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म में थोड़ी ना बनता है हमारे, न्यूक्लियस में बनता है। न्यूक्लियस। यस मैम। ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट कॉल्ड replication. Bacterial chromosome DNA ka replication synthesis starts from a replication origin site and RNA primers involved hota hai DNA synthesis mein facilitated by telomerase ya phir moves in one direction of the site, dono direction mein chalta hai, moves in bidirectional way, bidirectional way mein chalta hai. D hoga na? Yes. Method of DNA replication in which two strands
ऑफ डीएनए सेपरेट एंड एक नया स्ट्रैंड बनाता है. कौन सा मेथड है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. देयर आर स्पेशल प्रोटीन दैट हेल्प टू डीएनए को ओपन करने में हेल्प करता है. डबल हेलिक्स डीएनए को दिस प्रोटीन था डीएनए स्पेशल प्रोटीन दैट हेल्प टू ओपन अप डीएनए हेलिक्स इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर. लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है. यस मैम. टोपो आइसोमेरेस बनाने का काम करता है. टोपो आइसोमेरेस बचा. और वैसे एग्जैक्टली तो हेलिकेज होता है. यस मैम हेलिकेज होता है. फिर वो रेस्ट्रिक्शन आ जाती तो फिर वो ऐसे करते. ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रैंड्स सेपरेटेड बाय दो डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय हेलिकेज. एक्सपेरिमेंटल मेथड इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन. किसके ऊपर किया गया था डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल? के ऊपर या फिर एक और प्लांट के ऊपर किया गया था? विशा फेबा. यस मैम. यूकैरियोटिक का टेलर साइंटिस्ट ने किया था. यस मैम. डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है? सेमी कंटीन्यूअस ही तो करो मैम. सेमी डिसकंटीन्यूअस. सेमी हो यार. सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटीन्यूअस. नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेटेड ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. डीएनए लाइगेज हेलिक्स. अनीशा कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी. मैम डीएनए हेलिक्स है. किससे कोड कराता है? टेम्पलेट से या कोडिंग से? तो ए का अपोजिट यू होगा. ए का अपोजिट टी का अपोजिट ए. जी का सी. सी का जी. ये देखना कहाँ पे यू ए सी जी. तो फाइव से थ्री लेंगे या थ्री से फाइव लेंगे? फाइव से थ्री. फाइव से थ्री. करेक्ट विल बी बी. यस मैम. सिक्सटी टू. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कॉल्ड टेम्पलेट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा आरएनए स्ट्रक्चर इज अ राइबोसोम? अभी भी करा था ये क्वेश्चन. 23S आरएनए हो गया ना याद? यस मैम. इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट सिस्ट्रॉन होता है. Lysosome are not found in cells. So, किसके cells में नहीं पाया जाएगा lysosome? Bacteria, because prokaryotes हैं. वहाँ पे nucleus से cytoplasm में नहीं डालना है हमको. Yes ma'am. Which of the following RNA should be most abundant in animals? सबसे ज़्यादा amount में क्या होना चाहिए? RNA. Sequence दी हुआ है. Coding strand है ये. What will be the corresponding sequence of a transcribe mRNA? तो ये कोडिंग दिया हुआ है. इसका पहले टेम्पलेट बना लेना और टेम्पलेट बना के वो कर लेना या फिर डायरेक्टली इसी से बना देना क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस है. यू जी जी ऐसे हो जाएगा ना. ए जी जी यू ए यू सी जी सी ए यू ए हो जाएगा ना. मैम इसमें डायरेक्ट ऐसे कर देंगे ना कि बस थायमिन को यूरैसिल में कन्वर्ट कर देंगे. बाकी exactly. तो सेम ही रहेगा. सब सेम रहेगा और थायमिन को डायरेक्टली यूरैसिल में कन्वर्ट कर दो. और अगर ऐसे नहीं आता है तो इसका टेम्पलेट बना के उस टेम्पलेट को ट्रांसक्राइब करा दो. इजी तो यही वाला है हमारे लिए. यस मैम. करेक्ट स्टेटमेंट. पनिट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट. लाइसोसोम टेक part in translation. Induction was discovered by Altman. Franklin Stahl. linkage term किसने दिया था? Linkage तो Morgan. कट कर दो. Yes ma'am. Spliceosome क्या translation में help करता है? No ma'am.
तो प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। ट्रांसडक्शन किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था? ट्रांसडक्शन तीन साइंटिस्ट, ये नहीं याद है, पनीट स्क्वायर तो याद ही होगा, ब्रिटिश साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, डायरेक्ट बी लगा देना। 55 मैम, ट्रांसडक्शन किसने दिया था? ट्रांसडक्शन आपका आई गेस मैथी साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था। मैथी और मिल्सन, मैथी या फिर आई गेस एक नाम है उनका ऐसे कुछ। ओके मैम, ट्रांसडक्शन 55 पढ़ो, बताती हूँ ट्रांसडक्शन। मैम ट्रांसडक्शन मतलब कोडोन, मतलब कोडोन किसने दिया था? ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? मटेरियल को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना। मैम उसके तो फिर ग्रिफिथ ने दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसडक्शन अलग है इसका। ओके मैम, 55 अभी याद कराया। 1 2 3 आर एम टी, यस मैम। 1 का R, 1 का 2, 1 का 2। आगे वाले क्वेश्चंस तो आएंगे सारे इजी रहेंगे। यस मैम, ना टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था विशिया पेपर प्लांट के ऊपर। तो अब ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ना 46 तक, ये आप लोगों को खुद से करना है। मैंने लास्ट से कराना इसलिए स्टार्ट किया था, बिकॉज हम लोग जनरली यही गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से करना हमेशा शुरू कर देते हैं, तो स्टार्टिंग वाले हमें बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं और एंड तक आते आते हम लोग क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। कोई नहीं पहुंचा होगा अब तक इन क्वेश्चन को करते करते 161 तक, है ना। एंड तक आते आते मोरल डाउन हो ही जाता है, तो इसलिए एंड से मैंने स्टार्ट किया। चलो अब इवोल्यूशन की करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इवोल्यूशन वाला ओपन कर दूं आपका पीडीएफ। चेक इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मुझे एक सेकंड देना, तब तक आप लोग अपना चैप्टर रिवाइज कर लो जिसने नहीं किया होगा। यस मैम,
ये बच्चों स्टार्ट करो, देखो मैम ए और सी। इनको सॉल्व करो, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, ठीक है मैम। तब तक आप इनको स्टार्ट करो, जिसको जो नहीं कर रहा है तब तक एक बार नोट्स रिवाइज कर लो अच्छे से डेटा, ताकि क्वेश्चंस करते टाइम गलती ना हो एवरीवन, ठीक है।
या बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। तो बताओ क्या क्या आंसर निकाला इन क्वेश्चंस का। फर्स्ट का आंसर बताओ क्या था। मैम ए ऑप्शन है। मैम ए फॉर इस एक्सपेरिमेंट असल मिला नहीं, हमेशा याद रखना 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर से ही हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। गैस कौन कौन सा होता है? मीथेन। तो मीथेन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे होता है CH3 होगा, CH4 होगा, NH4 होगा, NH3 होगा। यस इस चीज पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस चैप्टर का जब डेटा आप लिखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन करके लिखना किसका कितना कितना होगा। तो CH3 होगा या CH4 होगा, हमें पता है CH3 तो मिथाइल होता है। यस होती है मिथेन। यस तो मिथेन होती है ना, CH3 मिथाइल होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? CH4 क्यों नहीं होगा? बिकॉज NH4 आयन बन जाता है, अमोनिया नहीं होता ये। सॉर्टेड? यस मैम। सेकंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइफ बनने में सी ऑप्शन में, तो सबसे पहले क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनेंगे, मोनोमर्स से ही पॉलीमर्स बनेंगे, फिर पॉलीमर्स से उनके प्रोटोबायोन्स बनेंगे, एंड प्रोटोबायोन्स से हमारे पास डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम आ जाएगा। मोनोमर देन पॉलीमर देन प्रोटोबायोन्स एंड देन हमारे पास डीएनए बेस्ड। बेटा प्रोटोबायोन्स प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे आगे जाके न्यूक्लियो प्रोटीन्स वगैरह बने थे। इनको हमने लैब में सिंथेसाइज करा के चेक किया था प्रोटोबायोन्स को, एंड प्रोटोबायोन्स एंड कोअसर्वेट्स तो लिविंग मॉलिक्यूल्स इनको कंसीडर किया जाता है। प्रोटोबायंट कोअसर्वेट्स हम कोअसर्वेट एनसीईआरटी में नहीं है ना। हाँ लेकिन है ये, इसके भी आपको देखो पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यस ठीक है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर इज सी। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। The earliest organism that appeared on earth, सबसे पहले जो earth पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए थे नॉन ग्रीन थे एंड वो एनएरोब्स थे। इज दिस करेक्ट? बिल्कुल सही, ठीक है। नॉन ग्रीन आए थे जो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आए थे, those were the chemoautotroph, जो कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, इसलिए जो इनिशियली हमारा एटमोसफेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, रिड्यूसिंग नेचर। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। यस मैम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायंट। देखो आगे ना प्रोटोबायंट में कोअसर्वेट इन माइक्रोस्फीयर्स एज इनविजिटेड इन द एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। बताओ इसका आंसर। कोअसर्वेट्स प्रोटोबायंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स थे सबसे पहले लिविंग, इनको कंसिडर किया गया था एंड इनकी थ्योरी फेल की हो गई थी क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। सारी चीजें थी इनकी एक लिविंग सेल के जैसी, लेकिन रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं थी। इनकरेक्ट बताना है। दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, बताना, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे ये। सराउंडिंग से आइसोलेट कर लिया था, अपने अंदर एक इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन करके चल रहे थे, ये अपना देखो सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सब कर रहे थे एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। यस फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे पहली लाइफ कौन सी आई थी? कीमोहेटरोट्रॉप्स आए थे। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अर्थ का सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक अबंडेंट सेल्यूलोज। देयर इज नो लाइफ ऑन मून, मून के ऊपर कोई लाइफ नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वाटर जिसको ढूंढने के लिए चंद्रमा पे चंद्रयान गया है, पानी की खोज चल रही है। According to the Oberon, पानी तो मिले है ना उसमें। हाँ लेकिन अब तक नहीं पता ना था ना वहाँ पे लाइफ नहीं है, कण है।
हमारी अर्थ में अगर वाटर के सिर्फ एक दो मॉलिक्यूल मिल जाए क्या यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर पाती, क्योंकि हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है कि जो लाइफ बनती है वो वाटर के अंदर ही बनती है। यस मैम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओबेरॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इनमें से कौन सा नहीं था? ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं था। Which of the following experiment suggests that the simplest living organism could not have originated spontaneous non-living matter से spontaneous मतलब पता है ऐसी जल्दबाजी में किया जाने वाला था, कौन सा ऑप्शन होगा? बी। वो मीट वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा था, एक को बंद जार में रख दिया था, एक को ओपन जार में रखा था, ओपन वाले के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह कुछ कुछ ऐसे आ गए थे। डी हो गए मैम। डी है ना। तो ये बोलते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट जो सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिन स्पॉन्टेनियसली नहीं हुए हैं। तो ये कैसे पता चला था? बिकॉज मील जो है स्पॉइल नहीं हुआ था, जब हमने मील को हीट करके अच्छे से उसको एक क्लोज वेसल के अंदर रखा था, इससे हमें पता चला था। और अनस्टराइज उसमें होगा, उसमें तो माइक्रोब्स मिलेंगे मिलेंगे। Yes, ma'am, मिलेंगे। और माइक्रोब स्टोर्ड मीट में माइक्रोब्स आ ही जाएंगे, लार्वा को अपीयरेंट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर भी लार्वा पाया जाता है। मैम अगर लेकिन खाने को जल्दी से पैक कर देंगे तो मैं वो खराब हो जाता है। बेटा दोबारा बोलो, बस बहुत कम आ रही है। मैम जो गर्म खाना होता है उसको पैक कर देते हैं तो फिर खराब तो ही जाता है ना, वो इतनी जल्दी नहीं होता ना। लेकिन आप लोग देखो जो नमकीन बिस्किट्स वगैरह होता है वो सब कैसे फूड है? कुक्ड फूड है वो, तो आप उनको ओपनली रखते हो तो जल्दी सील जाता है, लेकिन मम्मी उनको क्लोज्ड वेसल में बंद करके रखते ना जिसमें हवा ना जाए तो खराब नहीं होते ना फिर वो। नो मैम, वही वाला एक्सपेरिमेंट से याद रखना इसको। ठीक है, सिक्स्थ, Which of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller's experiment? में कौन सा amino acid नहीं मिला था? Glutamic acid। अब कौन कौन सा मिला था? Alanine मिला था, aspartic acid, glycine मिला। Alanine, glycine and aspartic acid। Alanine, glycine, aspartic acid, glutamic acid नहीं था उसके अंदर। Yes ma'am। The concept of chemical evolution is based on इंट्रैक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले, क्या इससे केमिकल इवोल्यूशन में है? सोलर रेडिएशन केमिकल्स के ऊपर सोलर रेडिएशन है? नहीं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के क्रिस्टलाइजेशन से? नहीं। अब सी पढ़ लो, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखो ना एमसीक्यू सॉल्व करना कितना ईजी है। मैम इससे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, हाँ चलो पढ़ा है चैप्टर। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, क्या करेक्ट सीक्वेंस था? सबसे पहले अमोनिया बना था। यस मैम। एच3 बना था, उससे क्या बना था अमोनिया से? वाटर। वाटर वाटर फिर न्यूक्लिक एसिड अंदर न्यूक्लिक एसिड से पहले इन्होंने न्यूक्लियो प्रोटीन्स वगैरह बना दिए थे, ये सब करा था। तो सबसे पहले अमोनिया, वाटर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटॉन्स। पहले ऑर्गेनिज्म कीमो हेटरोट्रॉफ, कौन सा एब्सेंट था एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? O2। ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस was proposed by Darwin and Willis for organic evolution. Sequence. ये जो Darwin and Willis की जो थ्योरी है ना पहले एनसीईआरटी में आती थी, ये अब वाली हमारी इन चार्टी में नहीं है। इसका करेक्ट याद रखना, इन्होंने क्या कहा था कि भाई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ है,
तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सबसे पहले प्रोसेस आता है हमारे पास ओवर प्रोडक्शन, देन पॉपुलेशन साइज के अंदर कितनी कॉन्स्टेंसी मेंटेन है, फिर उनके अंदर वेरिएशन को चेक किया कि कैसे कैसे उनके अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, वेरिएशन होने के बाद नेचुरल सिलेक्शन आया था। तो ये इन्होंने ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, वेरिएशन ये सब हटा था, वेरिएशन अभी कुछ कुछ है और नेचुरल सिलेक्शन से हम लोग पढ़ते हैं डार्विन की थ्योरी अब। यस ठीक है, तो याद रखना सीरीज ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस शो सिमिलैरिटी किसके साथ, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लमार्क ने दी थी ना वो थ्योरी। यस मैम। देन व्हाट शैल बी द करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट, कौन सा करेक्ट होना चाहिए इन दोनों की थ्योरी में, क्या कॉम्बिनेशन है, एक सिमिलैरिटी। Useful organism become strong and develop while useful organism become extinct. ये तो पूरी की पूरी लेमार्क की थ्योरी है। Size of organ increase with age. Age के according था ना, size of organ किसके according increase होता था, according to the जितना हम उसपे work कर रहे हैं, according to the use, जितना ज्यादा use हो रहा है organ का। Development क्या, organ का development will power पे depend करता है, नहीं तो B और C तो मैंने बिल्कुल ही कट कर दिया। हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है सिमिलैरिटी। तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी थी भाई, पैनजेनेसिस में भी बोला था कि कुछ ना कुछ फिजिकल बेसिस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। इनहेरिटेंस में भी बोला था कि कोई ना कोई फिजिकल बेसिस है इनहेरिटेंस का, जो कि जिराफ के अंदर ट्रांसफर हुआ, हाइना के अंदर नहीं हुआ। तो करेक्ट इज डी। एवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस है हमारे, which of the following refer to correct example of organism which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic action. Anthropogenic action मतलब human activities. Human activities की वजह से कौन सा change आया है सबसे ज्यादा, जो गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन फिंचेस था उसमें तो कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना। तो ए ऑप्शन मैंने कट कर दिया, बी ऑप्शन मैंने कट कर दिया, बचता कौन सा, टू थ्री फोर और ओनली फोर, फोर्थ पढ़ लो। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग्स, अलग अलग इनके ब्रीड बनाई गई, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ही। Yes, ना? Yes. फिर जो नई ब्रीड बनेगी वो रिप्रोड्यूस करेगी, उसकी नई एक स्पीसीज बनती चली जाएगी, फिर उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट्स बनाए गए, हर्बिसाइड वेरिसाइड ब्रीड, तो टू थ्री फोर, तो करेक्ट इज सी। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव, किसने किया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, कैसे दिखाते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ए ऑप्शन, बैट के विंग्स और पिजन के विंग दोनों उड़ने में काम करते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है मैम, उनके जो कन्वर्ज फैल गया है, एक जगह आके इकट्ठा हो गया है। बताओ मैम, बता दिया ना, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, बाकी लोग मैम ए होगा, मैम ए ही होगा, बी नहीं हो सकता मैम, बी भी लग रहा है, ए भी, दोनों लग रहे हैं। तो मैम इन लोगों से विंग्स ऑफ प्रॉन, प्रॉन के गिल्स उसको किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, और मैन के गिल्स भी, तो फंक्शन सेम है, फंक्शन कन्वर्जेंट का फंक्शन सेम होता है, एनाटॉमी डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे भी एनाटॉमी डिफरेंट है। यस मैम, है ना। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविला किसके मॉडिफिकेशंस है, थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है, मी होमोलोगस का है मॉडिफिकेशन है, ये बताओ ना, प्लांट्स का मैम,
प्लांट्स का है। हाँ, प्लांट्स, प्लांट्स किस चीज का? प्लांट में किस चीज का? स्टेम का है, रूट का? मैम उसका है, स्टेम का। मैम स्टेम का है। और टेंड्रल स्टेम का, वो भी स्टेम का ही है। स्टेम का है, स्टेम का है। टेंड्रल तो लीफ का है। लीफ का है ना? हाँ, टेंड्रल लीफ का है। तो करेक्ट इज ए भी हो सकता है भाई, बी भी हो सकता है, दोनों सही हो सकता है यहाँ पे। मैम इसमें बोले मैम यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं हो सकता मैम, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देनी चाहिए ना पेपर में। पेपर में छोड़ देनी चाहिए जो मैम करती लग रहा है। मैम उसमें एक ही ऑप्शन टिक लगा सकते हैं ना पेपर में तो। अरे तो एक पे ही टिक लगाना, अगर आपने छोड़ दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर दो सही है तो जिस बच्चे ने ए लगाया है, जिसने बी लगाया है, दोनों को मार्क्स मिलते हैं, दोनों को मिलेंगे। इन केस नहीं दिया हो तो फिर, अरे अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना और आपको पता है भाई ए और बी दोनों है, तो आप ये मत करना, ऐसा क्वेश्चन छोड़ दो, बिल्कुल मत करना, है गलती। बोनस मार्क्स जो बच्चों को मिलता है ना बाद में, 10-10, 15-15 इतने मार्क्स बढ़ जाते हैं, इसी वजह से बढ़ते हैं। तो अगर आपने ए भी लगा दिया तब आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बी लगा दिया तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन किसी बच्चे ने सोच के कि भाई मैं तो छोड़ देता हूँ, दो आंसर है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे। Yes, ऐसे नहीं होता, नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। बाय चांस एक ही क्वेश्चन है, इसमें से चारों ऑप्शन ही गलत है, कोई सही नहीं लग रहा, तब छोड़ दो। अगर आपने तब छोड़ दिया तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपने कोई सा वहां पे पिक कर दिया तब मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नंबर नहीं मिलेंगे कौन से वाले सब बोनस के नंबर मिलते हैं? नहीं, बोनस के बहुत कंडीशन लगाते हैं। ये जो चारों वालों में है ना, इस बार में भी ऐसा कुछ हुआ था, मतलब कि चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सही नहीं। हाँ, तीन चार क्वेश्चन गलत है, गैस तीन चार। एक दो गलत थे, मैंने आंसर की देखी थी। नहीं, तीन चार के अराउंड थे बेटा गलत, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। एक तीन या चार के अराउंड थे क्वेश्चन गलत, उसमें यही था कि एक जगह पे तो ए और बी दोनों का था और एक जगह पे आंसर मैच ही नहीं हो रहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू था। मेरे टीचर ने भी यही बताया था कि इस तरीके से करोगे तो नंबर कटेंगे भी। चलो 26 पढ़ो। फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजार्ड, लोगस मैन, वॉकिंग एंड फोर लिम्स ऑफ व्हेल। मैम सी एग्री। होमोलोगस ऑर्गन एचडी होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। यस मैम, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब डाइवर्ज हो गए हैं, मतलब अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो गए हैं। एनाटॉमी सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। तो कैट के फॉरलिम्स को चलने में, लिजार्ड के इसको स्क्रॉलिंग करने में, फॉरलिम्स का व्हेल्स को स्विमिंग में, फंक्शन अलग अलग है ऑब्वियसली, तो हम बता ही देंगे। इंडस्ट्रियल मैरिनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी सिंपल, नेचुरल सिलेक्शन। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट आर, दोनों उड़ने में काम करते हैं, फंक्शन एनाटॉमी डिफरेंट है मौत ना या फिर फ्लिपर्स ऑफ व्हेल? Wings and on mode. व्हेल का होगा मैम, फ्लिपर होगा। मैम बी होगा। Wings of us. ना फ्लिपर से व्हेल। हाँ। Among the following set of example for divergent evolution, select the incorrect option.
बी आई ऑफ ऑक्टोपस और बैट हाँ डी मैम डी डाइवर्जेंट बताना है डाइवर्जेंट मतलब एच डी होमोलोगस ऑर्गन बताना है तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए आईज ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फॉलिंग ऑफ मेनी वर्टेब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी बोन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है द फॉलिंग ऑफ मेनी वर्टेब्रेट इज द होमोलॉजी Flippers of penguin and dolphin are example of convergent evolution. Adaptation. Penguin or dolphin? Evolution. अच्छा adaptation. Convergent evolution. Convergent evolution है because these are the which type of organ? Analogous organs. मैम सही बोलती हूँ फिर आप दोबारा question कर देते हो confused आते हो. हाँ तो वही चेक करती हूँ ना मैं बहुत कंफ्यूज होते हो तुम जैसे ही मैंने बोला नहीं ये नहीं तो एकदम से अपने आंसर को चेंज कर डालते वो तुक्का लगा देती हूँ मैम ऐसे ही करते हैं मैं टेस्ट में भी ऐसे ही करती हूँ मुझे लगता है ऐसे नहीं नहीं होगा तो फिर नहीं अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस से तब रहोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे कॉन्सेप्ट जैसे मैं बोलती हूँ भाई न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था मैंने बोला नहीं रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक ने किया था मनीषा कंफ्यूज हो जाएगी हाँ मैम रॉबर्ट हुक ने किया होगा ब्राउन है यस मैम कंफ्यूज होगी मनीषा इसमें कि रॉबर्ट हुक ही होगा नो मैम नहीं वो क्यों क्योंकि कॉन्फिडेंट हो इस आंसर को लेकर भाई ये तो मैं बिल्कुल हूँ इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं है तो सेम क्लियरिटी अपने सारे कॉन्सेप्ट्स में बना के चलो यस मैम ठीक है नहीं तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसे एग्जाम में जाके मैम मैं तो जिस क्वेश्चन पे 100% कॉन्फिडेंस होता हूँ वही क्वेश्चन गलत होता है मेरा तो उस गलती को फिर चेक किया करो कि तुमने गलती क्यों किया मैम स्कूल में भी सर बोले थे ना मतलब कुछ पूछ रहे थे तो मैंने आंसर तो दे दिया लेकिन सर बोले ये किसने बताया तो मैंने बोला मतलब आंसर गलत दिया था मैंने तो मैं कॉन्फिडेंस था पूरा कि हाँ मेरा सही आंसर कोई बात नहीं होता है मेन चीज वही है डेटा वाली चीज डेटा अपना स्ट्रॉन्ग बना के चल आगे देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा 29 द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म सिमिलर फंक्शन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑप्शन ए ए एनालॉगस ऑर्गन्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन होमोलोगस एनालॉगस तो अगर अपने आप नोट्स बनाओगे तो सारे होमो एनालॉगस सारे के एग्जांपल्स लिख डालना ठीक है yes. आगे बताओ कौन सा करेक्ट एग्जांपल दे रखा है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑक्टोपस फैमिल्स की आई जब भी पढ़ के आए कन्वर्जेंट ही दिखाता है फॉलेम्स और डाइवर्जेंट यही सही है थॉर्न्स और बुगेनविला टेंड्रिल्स ये सब किसका है थॉर्न्स किसके मॉडिफिकेशन है डाइवर्जेंट थॉर्न लीफ का मॉडिफिकेशन है स्टेम का चलो ये बताओ पहले थॉर्न दोनों की मॉडिफिकेशन हो सकती है दोनों की हो सकती है लेकिन कुकुरबिटा में स्टेम की मॉडिफिकेशन तो होमोलोगस एनालोगस वाले ही है सारे तो आप कर ही लोगे दूसरे वाले आगे चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल नहीं है पैरिपेटस फेनोडॉन किंग क्रैब है ना आर्कियोप्टेरिक्स क्या है इट इज अ बर्ड ना यस मैम इससे डायनासोर से इवॉल्व हुई थी ये डायनासोर से इवॉल्व हुई थी डायनासोर से इवॉल्व हुई थी ये लिविंग फॉसिल नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल्स
पजल्स का डेटिंग करने के लिए कौन सा सबसे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। एक सेकेंड रुकना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय व्हेल, हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहती है। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म नेचुरल सिलेक्शन है, इसके अंदर देखा जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट नहीं, डार्कनिंग ऑफ स्किन, प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस विद द सराउंडिंग, या फिर डिफेंसिव एडेप्टेशन, ऑब्वियसली सी। इसी मेथड को क्या बोलते हैं जब अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम कलर के अंदर वेरिएशन, कलर चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लोज ना। यस ना, which of the following describe correctly the homologous structure? ma'am, haan ji ma'am, pichle wale question mein doubt hai ma'am, unhone apna skin color change to nahi kiya tha, ek particular skin color ke organisms badh gaye the, to ma'am wo option b nahi hona chahiye? darkening of skin due to smoke from the industries, kya industry se jo smoke aa raha tha uski wajah se skin ka darkening ho raha tha? No, ma'am, जो face के ऊपर था ना, वाली ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमको डार्क डार्क कलर वाली दिखाई दे रही थी। Yes, ma'am, ये तो ठीक है, बट मैम उन्होंने अपना स्किन कलर चेंज नहीं किया था। स्किन कलर चेंज नहीं किया था उन्होंने, डार्क कलर वाली डोमिनेटिंग थी, लाइट कलर वाली नॉन डोमिनेटिंग थी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसलिए प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ जो रिजेंबल करती थी वो प्रोटेक्टिव थी, नहीं तो बाकी नहीं थी। और वो भी सराउंडिंग क्या था, आपका ट्री था, जब तक पोल्यूशन नहीं था ट्री के ऊपर लाइकन था, लाइट कलर था, लाइट कलर वाली वहां पे रिजेंबलेंस दिखा रही थी, इसलिए वो सर्वाइव कर रही थी ज्यादा। लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज आई, स्मॉक्स वगैरह आया, उसके वजह से लाइकन डिस्ट्रॉय हो गया, ट्रीज का कलर डार्क हो गया, तो डार्क के ऊपर लाइट कलर वाली आती थी, प्रीडेटर आके उसको पिक कर लेते थे, ज्यादा कौन बच गई हमारे पास, डार्क कलर वाली, बिकॉज डार्क कलर ट्रीज का भी डार्क कलर रिजेंबलेंस आ गया, जिसकी वजह से उनके अंदर प्रोटेक्टिव नेचर आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. 44. Which one of the following describe correctly the homologous structure? MB. Anatomical dissimilarity but performing same function? Yes, ma'am. No, ma'am. Anatomical similarity. ये होगा ma'am. और functions अलग होंगे. मनीषा. ये होगा ma'am. Yes, ma'am. Question करने के बाद भी. मैम मैंने ए सोच लिया था फिर यस, आदत को चेंज करो नहीं तो ये आपको ड्रॉपर बना देगा। नो मैम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स? विंग्स ऑफ बर्ड एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश। सीक्वेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नो द फाइलोजेनी? आरएनए की सीक्वेंस। Which of the following isotope is most dangerous to Homo sapiens? ये तो काफी पुराने questions हैं, इनको CRT में भी नहीं है। 54 वाला तो है, मैंने कराया। मैं वैसे फिर आपको हो गया क्या? Vestigial organ। निकल निकल। B है मैम इसका। B versus tooth body। 55 का लोगे ना तो B होता है। स्ट्रॉन्शियम आपकी जो बोन्स होती है ना उनको डिस्ट्रॉय करता है ये स्ट्रॉन्शियम। कौन सा इसका? बी है। बी स्ट्रॉन्शियम। ओके मैम, 54 का डी। यस मैम, 54 का डी। विजडम टूथ बॉडी हेयर्स निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स
एवरीवन क्लियर? 54 का डी? यस मैम क्लियर। यस मैम। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पढ़ना जरा इसको, कौन सा लगता है? डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन, यस मैम, ए, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स से मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स सेम, डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, सेम फंक्शन, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, कन्वर्ज हो गए हैं, तो कन्वर्ज में एनाटॉमी डिफरेंट होनी चाहिए ना? यस मैम, एनाटॉमी शुड बी डिफरेंट, तो डिफरेंट एंसेस्ट्री होगी तभी कॉमन फंक्शन, दिस इज कन्वर्जेंस। क्लियर? यस मैम। ये तो फिर वही दे रहे हैं सारा, होमोलोगस एनालोगस हर जगह पे। इसमें से बताना 50 में से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? सी, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। ये तो है, ये तो वेस्टिजियल है। नेल्स ही बच्चे, बट नेल्स का क्या फंक्शन है मैम? नेल्स वेस्टिजियल थोड़ी ना, दे आर नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब है जो अब नहीं है हमारी बॉडी में, एंसेस्टर्स में होते थे, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं कैरेक्टर्स। The change of the lighter colored variety of peppered moth Piston betularia to its darker variety is due to, किसकी वजह से हुआ ये? Mutation. Mutation. Yes. Homologous organs are those that show similarity in structure. Origin. Origin ना? रिकैपिटुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था जब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बताए थे कि है मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, आपके जितने भी हमारे मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, इन सब की जो एम्ब्रियोस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, एक डायग्राम भी दिखाया yes, था man. लेकिन धीरे धीरे जब उनके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब हम सब में जो हम एम्फीबियंस है वो सब है, हम सब किससे सिमिलैरिटी रखते हैं? फिशेज से, बट सिर्फ और सिर्फ किस में? एम्ब्रियोलॉजिकल से, उसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन। ठीक है, प्रेजेंट डे में तो मैम इक्वस है हॉर्स, बट फर्स्ट एंसेस्टर को तो नहीं है। आया बच्चों समझ में रिकैपिटुलेशन क्या होता है? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास हो गया है रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन की अगर आप सिंपली लिखना चाहो ना, ऐसे लिख लो कि रिपीटेशन ऑफ, लिखना है वैसे तो आपके नोट्स में होगा ये, रिपीटेशन ऑफ अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फाइलोजेनी ऑफ होर्स। होर्स का पूरा इवोल्यूशन बताया था, उसमें सबसे पहला कौन सा था? इओहिप्पस। इओहिप्पस अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म नॉर्थ अमेरिका में पाया गया था। यस मैम। इओहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरीहिप्पस, प्लियोहिप्पस, देन सबसे लास्ट वाला इक्वस था, याद है?
हाँ यस मैम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन. अरे बहुत होमोलोगस एनालोगस फॉलोइंग. इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ. इवोल्यूशनरी कन्वर्ज है. कन्वर्ज इंसेस्टर्स डिफरेंट है. मैम बी ए होगा भाई. डिफरेंट इंसेस्टर्स कन्वर्ज हो रहे हैं एक जगह पे. कन्वर्ज कन्वर्ज का मतलब अलग अलग जगह से लेके आके एक जगह पे इकट्ठा करना. डाइवर्जेंस का मतलब एक जगह से उठा के अलग अलग जगह पे लेके जाना. तो कॉमन इंसेस्टर्स थे. अलग अलग जगह डाइवर्ज हो गए. सबके फंक्शन अलग अलग हो गए. और कन्वर्जन में अलग अलग जगह से लेके आए. अलग अलग एंसेस्टर्स से आ रहे हैं और एक जगह पे इकट्ठा कर दिया. सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. यस मैम. स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज द फिंच स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड. इंसेक्ट्स सीड ट्री बर्ड्स कैरियन. सीड्स भाई सीड तो खाते थे. ट्री बर्ड्स फ्रूट सब कुछ खाते थे. नॉट पूछा है भाई. नॉट कैरियन का मतलब क्या होता है पता नहीं मैम. मैम डिकेइंग मैटर. डिकेइंग मैटर अच्छा. डिकेइंग ठीक है. चलो फिर आज इनको क्वेश्चंस पे इतना ही रखता है बिकॉज़ आई गेस 12th वाले बच्चों का भी एग्जाम है. हां मैम फिजिक्स का वो भी भाई ना बच्चे पूछने लग गए. मैम क्लास कब तक चलेगा. मैम बहन को लेके आना है ना इसलिए जाता है स्कूल से. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आई नो उससे ज्यादा आप लोगों की कैपेसिटी नहीं रहता क्लास तुम लेने का.